हम बात कर रहे हैं 30 ml की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली। इससे पहले लगातार तेज़ी के साथ स्टॉक ने 112 तक के टारगेट दिखाए, उसके बाद लगातार सेलिंग स्टॉक में देखने के लिए मिली। जब गिरावट आई थी हमने डिस्कस किया था 88-90 का लेवल मेजर सपोर्ट का काम करेगा, जब तक इसके ऊपर है TTML में रिकवरी के चांस बनेंगे। और हम देख सकते हैं स्टॉक ने 88 के लेवल पर सपोर्ट लिया, वहाँ से रिकवरी दिखाता नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा ट्रेंड के कन्फर्मेशन के लिए। आगे हम डिस्कस करेंगे उस लेवल को, कहाँ तक का हमको इंतज़ार करना है और क्या सपोर्ट लेवल बनेंगे, इसमें टारगेट क्या रहेंगे, इस बात को हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देख सकते हैं इससे पहले गिरावट के साथ स्टॉक ने 92 के लेवल पर सपोर्ट लिया और एक जंप दिखाया, वहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो नीचे की ओर 92 का लेवल ही अब इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 90 और मेजर सपोर्ट का काम करेगा जो इसका लो है, जहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया है 88 का लेवल रहेगा। जब तक इसके ऊपर है TTML में अपसाइड के उम्मीदें बरकरार रहेगी। अब देख सकते हैं चार्ट पैटर्न यहाँ से रिवर्सल का देखने के लिए मिल रहा है, तो 92 के आसपास से अगर स्टॉक जम दिखाता है तो 96 इमीडिएट टारगेट, ब्रेकआउट कर गया तो 100 का लेवल नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो कि इसका मेजर रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक इस बाउंस बैक के साथ 100 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है और इसके ऊपर सस्टेन हो गया TTML, 100 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस है, लगातार तेज़ी के लिए इसी का ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट है, तो TTML इस बाउंस बैक के साथ 100 का लेवल ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर एटलीस्ट सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद फिर लगातार अपसाइड दिखा सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट 104, इसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में 110 का लेवल और 115 से लेके 120 तक का जंप भी फिर TTML दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।